जिले भर में पशुओं को मुखूर और गलघोंटू के टीके डोर टू डोर लगाने के अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान की जानकारी देने के लिए विभाग के डिप्टी डायरेक्टर राजबीर वत्स इंद्री के सरकारी पशु चिकित्सालय पहुंचे और खंड के सभी डॉक्टरों को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहले साल में 4 बार पशुओं को मुखूर और गलघोंटू के टीके लगाए जाते थे, परंतु अब विभाग ने दोनों दवाइयों को एक ही वैक्सीन तैयार कर ली है, इसीलिए अब पशुओं को साल में 2 बार ही टीके लगाए जाएंगे। आज पशु चिकित्सालय में कुछ पशुओं को टीके भी लगाए गए हैं। डिप्टी डायरेक्टर राजबीर वत्स ने कहा कि गलघोंटू और मुखूर की बीमारी बहुत ही भयानक है। पशुओं को इससे बचाने के लिए इन दोनों बीमारियों की एक ही वैक्सीन तैयार की गई है। पिछले साल इसका ट्रायल किया गया था, जिसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए हैं। अब पूरे जिले में डोर टू डोर प्रत्येक पशु को टीके लगाए जाएंगे। आज हम जो है ये हमारा 27वां मुखूर प्लस गलघोंटू का जो है टीकाकरण, जो संयुक्त टीका है, उसको जो है पूरे भारतवर्ष में जो है हरियाणा राज्य में जो है ये सबसे पहले लागू किया गया है। ये टीका दो हमारी बहुत ही जो है खतरनाक बीमारियां हैं पशुओं में, खासकर गाय और भैंस में पाई जाती है ये, जिसमें मुखूर रोग है, उसमें मुंह में छाले पड़ जाते हैं, पैरों में छाले पड़ जाते हैं और जो पशु है वो चलने फिरने में बिल्कुल लाचार हो जाता है, खाना खाने में असमर्थ हो जाता है, जिसकी वजह से जो है लार पड़ती हैं, मुंह में छाले हो जाते हैं और पशु का जो प्रोडक्शन है, दूध उत्पादन है, वो बिल्कुल गिर जाता है, सेहत गिर जाती है। और कई पशुओं में, स्पेशली जो शंकर नस्ल के जो हमारे पशु हैं या एग्जोटिक नस्ल के जो पशु हैं, उनमें पशुओं की मृत्यु तक हो जाती है। दूसरी बीमारी जो गलघोंटू है, वो बहुत ही जानलेवा बीमारी है और इसमें जो है पशुओं में कुछ ही समय के अंदर ये जो है पशु की मृत्यु हो जाती है, सांस रुक जाता है, फेफड़े बिल्कुल गल जाते हैं, आंतों में जो है अल्सर्स बन जाते हैं, छाड़े बन जाते हैं और दस्त वगैरह लग जाते हैं और पशु की तुरंत मृत्यु हो जाती है। तो हरियाणा सरकार इस विषय में जो है बहुत ही सेंसिटिव है और उन्होंने, पशुपालन विभाग ने, हमारे उच्च अधिकारियों ने इस पर काफ़ी मंथन किया कि भाई इन दोनों बीमारियों के संयुक्त टीके को लगाया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों टीके साल में दो दो बार लगते थे, जिससे पशुपालक को भी काफ़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि साल में 4 बार टीके लगाने पड़ते थे और हमारा जो स्टाफ था वो भी प्राय ऐसी काम पर लगा रहता था। अब जो है ये टीका सिर्फ साल में 2 बार लगाने की ज़रूरत रह जाएगी, जिससे मैन पावर भी हमारी जो है एफिशिएंटली काम कर सकेगी और किसानों को भी इतनी दिक्कत नहीं होगी। और इन दो बीमारियों का इलाज हो जाने से हमारा जो कीमती पशुधन है राज्य में, जो हमारा इलीट एनिमल्स हैं, उनकी हम इन दोनों बीमारियों से रक्षा करेंगे। और प्राय ये भी देखने में आया है कि जिन पशुओं को ये टीकाकरण हो जाता है, उन्हें और बीमारियाँ भी बहुत ही कम आती हैं, और इस वजह से, क्योंकि उनका जो इम्यूनो स्टेटस है वो बढ़ जाता है, बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। इन बीमारियों के शरीर में आने से शरीर कमज़ोर हो जाता है, तो उस शरीर कमज़ोर शरीर को जो है अन्य बीमारियां भी जल्दी पकड़ती हैं। तो इसमें दोहरा लाभ है और विन विन की स्थिति है, पशुपालक भी खुश और पशुपालन विभाग भी खुश, क्योंकि जब स्वस्थ पशु रहेंगे तो किसान की भी जो है आय बढ़ेगी, उसका प्रोडक्शन पशुओं से अच्छा मिलेगा और पशुपालन विभाग भी इसलिए खुश क्योंकि जो है पशुओं में भी बीमारियों का जो है उन्मूलन हो जाएगा, बीमारियां दूर हो जाएंगी। हाँ, इसमें जो है ये आज से हमारा द्वितीय चरण, पहला चरण हमने जो है पशुपालन विभाग ने अप्रैल में किया था, जिसमें लगभग 60 लाख पशुओं को पूरे हरियाणा प्रदेश में जो है वैक्सीनेशन किया गया था और जिला करनाल में जो है लगभग 3,05,000 पशुओं का जो है हमने टीकाकरण किया था और लगभग इतने ही पशुओं का अब सेकंड राउंड में भी हम टीकाकरण करने जा रहे हैं, जो आज महात्मा गांधी जी की जो जन्म दिवस है उससे जो है ये कंपेन शुरू किया गया है, क्योंकि महात्मा गांधी भी पशुओं से बहुत प्यार करते थे और उनको स्वस्थ रखना चाहते थे और उन्हीं के आदर्शों को ध्यान में रखते हुए हमने जो है आज का ये शुभ दिन इस कार्य के लिए चुना है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden.
World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।